नमस्कार, मैं ऋतु आचार्य आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। सब्सक्राइब किया कि नहीं मेरे चैनल को? नहीं किया, कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। मैं छोटी छोटी कहानियाँ आजकल लिखने का बहुत मन करता है। छोटी छोटी थॉट्स मेरे दिमाग में आते हैं और मैंने स्टार्ट की है छोटी छोटी कहानियाँ लिखना, मेरे दिल से, मेरे मन से। और मैं उन सभी कहानियों को आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। वैसे मैं लिखती हूँ लेकिन बहुत कम लोगों के पास मेरे लिखी हुई कहानियाँ जाती है, या बहुत कम मैं पब्लिक में ये चीज़ें लाती हूँ। लेकिन मन किया आप लोगों के प्यार और विश्वास को देख के, जिस तरह से आप लोग थोड़े बहुत लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया है मेरे चैनल को, और जो कि कमेंट भी करते हैं, सो उन सभी के लिए मैं ये छोटी सी कहानी जो कि मैंने बहुत दिल से लिखी है। और एक ऐसा दौर था तब ऐसा वाकई में होता था, तो ये एक विजुलाइजेशन है मेरे मन की। मैं आप सबको वो कहानी सुनाना चाहूँगी। कहानी का जो टाइटल है वो बड़ा ही मज़ेदार है और बहुत दुखी है। आप सोचोगे पहले तो टाइटल सुन के कि ये क्या है, मतलब ऐसा कोई कैसे सोच भी सकता है या कैसे भी बोल सकता है। तो मेरी कहानी का नाम है आखिरी मुलाकात। देखा, आपको भी लगा ना, ऐसे कैसे कोई डिसाइड कर सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। तो चलिए मैं लेके जाती हूँ आखिरी मुलाकात के सफर में, और अंत तक आपको पता चल ही जाएगा। वैसे तो कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी मुलाकात आखिरी हो। पर जब तय हो जाता है, कि कोई मुलाकात अंतिम है, तो मिलने का पल हजारों भाव का समंदर को ले आता है। प्रेमा और शाहिद दोनों एक दूसरे को जानते थे। अब शायद कभी मुलाकात नहीं होगी। लाखों शिकायतों, हजारों लम्हों का वो अंतिम था जो अब खत्म होने जा रहा वाला वक्त था, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और नहीं रोकने पर भी एक अंतिम मुलाकात तो बनती है। शहर की सबसे ऊंची इमारत जहां से पूरा शहर दिखाई दे रहा था, दो आंखें एक दूसरे की आंखों में पिघल जा रहे, शब्द कंठ से आके दम तोड़ रहे थे, हाथों से हाथ को पकड़ के बहुत मजबूती से खड़े थे। प्रेमा की आंखों में आंसू को पोंछते हुए साहिल ने कहा, कि तुम अपना ख्याल रखना। फिर भी प्रेमा के आंसू रुके नहीं। फिर क्या था, साहिल ने कस के उसे गले लगा लिया और उसका माथा चूमा और कहा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। प्रेमा ने कहा, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि ये हमारी मुलाकात आखिरी है। मैं सपने में भी ये चीज़ नहीं सोच सकती। कितने सारे हमने ख्वाब एक साथ देखे थे, बहुत सारी जिंदगी के प्लान्स हमने बनाए थे, बहुत कुछ। वो पल इतना दुखद था, इतना कठिन था उन दोनों के लिए कि एक दूसरे से बिछड़ना बहुत बहुत ही मुश्किल समय था। तो प्रेमा उससे कहती है कि तुम कभी हमेशा पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे साथ रहना चाहते थे, आज क्या हो गया?
तो शाहिद ने कहा, मैं तो तुम्हारी रूह को छूना चाहता था, रूह से मोहब्बत किया था, लेकिन ईश्वर को पाने के रूप से बराबर है। कोई हल्की सी आखिरी मुलाकात दरअसल ये बहुत ही जज्बाती मोमेंट था उन दोनों के लिए कि आखिरी बार मिलना, और ये आसान नहीं है ज़िंदगी में। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं और आपको ऐसा लगे कि बस आज जो है वो अंत है, इसके बाद मैं इससे नहीं मिलूँगा या नहीं मिलूँगी, उस माइंडसेट के साथ मिलना मतलब बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ कि ऐसे कोई डिसाइड कैसे कर सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, इसके बाद तुम कौन मैं कौन, एकदम से एक अजनबी बन जाएंगे, इतने सालों का प्यार भरा रिश्ता। कैसा लगा आपको मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर आप इसके दूसरे भाग को भी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप भी सोच के बताइए कि ये मुलाकात आखिरी क्यों थी। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में।